हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे जो हमने हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा किया था उसी से ही आगे करेंगे। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के अंदर हमने देख लिया था कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स उसमें आ रहे थे, जिसमें हमने एक तो हमारा माइक्रोवेव रीजन जिसके जिसमें कौन था हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा था वो पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन के अंदर हमारे पास कौन सा था? इंफ्रारेड रीजन के अंदर हमने देखा था कि जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 × 10^12 से 3 × 10^14 हर्ट्ज तक की उसमें आती है, तो वो हमारे पास इनके रीजन्स की फ्रीक्वेंसी होती है। और इनकी जो एनर्जी होती है वो हमारे पास वाइब्रेशनल जो लेवल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, तो यानी कि इंफ्रारेड रीजन के अंदर हमारे पास कौन से आते हैं? हमारे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा लाई करता है। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर क्या है कि हमारा वाइब्रेशन, जैसे हमने रोटेशनल के अंदर हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स वगैरह निकाले थे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के एनर्जी लेवल्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमारे पास क्या होता है? इट इज़ एग्जिबिटेड बाय द मॉलिक्यूल्स हुज डायपोल मोमेंट चेंज ड्यूरिंग द वाइब्रेशंस। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि रोटेशन के मॉलिक्यूल्स की रोटेशंस की वजह से जो आ रहा था वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस की वजह से जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आता है हमारे पास वो कौन सा होता है? हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है, और ये हमारे पास कौन से रीजन के अंदर लाई करता है? हमारा इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करता है। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स निकाला था वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया, डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारे पास दो एटम्स से जो मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे उन दो एटम्स का एक का मास M1 ले लिया और एक का मास हमने कितना ले लिया, M2, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमारे पास कितना हो गया, R हो गया। ठीक है, पहले तो हम ये लेके चलते थे कि ये हमारे पास जो एटम है वो फिक्स्ड है, अभी मान के चल रहे हैं एटम वो फिक्स है, लेकिन इनके बीच का जो न्यूक्लियाई है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के उस पे क्या कर रहा है, हमारा मूव कर रहा है, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच का तो आर हो गया, लेकिन वो जिस इक्विलिब्रियम के अंदर मूव कर रहा था वो हम अगर आर नॉट ले लें तो पूरा जो ये सेपरेशन है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, आर माइनस में आर नॉट हो जाएगा। तो ये कहता है अगर ये इस तरीके से जैसे को स्प्रिंग वगैरह के अंदर आ जाता है ना, तो भाई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, तो इसी तरीके से ये अपनी पोजीशन पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर जा रहा है, वो एक्सलरेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वही फॉर्म हमारे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी लाई करेगा। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पोजिशन के उसमें आ रहा था तो ये हमारे पास कितना हो गया, F=R - R0, और इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में के R - R0। अगर हम R - R0 को x कंसिडर कर लें तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, F = -KX। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पे अगर ये फोर्स उसमें लग रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो लग रही है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग वगैरह होती है जो भी हम लेके चलते हैं इक्विलिब्रियम उसमें, तो वहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी लाई करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास जो फोर्स है वो कितना हो जाता है, माइनस में dV/dx। अब ये भी फोर्स और एक रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग कॉन्स्टेंट जो हमारा लग रहा है ये हो गया, तो दोनों फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये कितना हो जाएगा, हमारे पास dV/dx = KX हो जाएगा। अगर इस dV/dx के इसको dx को अगर हम यहाँ पे लेके चले जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा dV = KX · dx, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी हो गई, ½ KX²। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेशन में हमने देखा था कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो अब ये कहता है कि अब अगर आप खाली भाई जिसे हम वहाँ पे हमने जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर किया था हमारा लास्ट सेमेस्टर के अंदर, इसी तरीके से जो हम लीनियर यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हमारे पास वहाँ पे जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन थी वो हमारे पास कौन सी थी, H² 2md2ψ/dx² V(ψ = E(ψ), और V हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे ½ KX² हो गया। ठीक है, लेकिन अब ये है यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, M, लेकिन M तो एक एटम के लिए हो गया, हमारे पास तो दो हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस मास कंसिडर करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, अब ये कहता है रिड्यूस मास अगर आपने कंसिडर कर लिया तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो हमारे पास कितनी होती है, EV = V + ½H𝜇0। ठीक है, अब ये जो V है वो हमारे पास इन नंबर लेवल्स के उसमें डिसाइड कर रहा है कि ग्राउंड के लिए है, फर्स्ट के लिए है, सेकंड के लिए है, थर्ड के लिए है, किस चीज के लिए है। ठीक है, तो V इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है,
अभी कहता है और न्यू नॉट हमारे पास क्या होगी, उसकी क्लासिकल फ्रीक्वेंसी होगी। अभी कहते हैं ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालो, ग्राउंड स्टेट के लिए तो क्वांटम नंबर जीरो हो जाएगा। अगर जीरो इसमें पुट कर दिया तो ई नॉट इज इक्वल टू हमारे पास हाफ ऑफ एच, न्यू नॉट हमारे पास हो जाएगा। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसके अंदर हाफ ऑफ न्यू नॉट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन रूल है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। यानी कि जो आप ये हमारे पास ट्रांजिशन करोगे, ठीक है, जैसे इसके अंदर ये दे रखे, ये हमारे पास लेवल्स हो गए, इन लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन होगी वो हमारे पास किस सिलेक्शन रूल के बेस्ड पे होगी, डेल न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके अंदर हमें क्या बतानी पड़ेगी, वाइब्रेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द वेव नंबर। अगर वेव नंबर की फॉर्म में बताना है यानी कि टर्म वैल्यू की फॉर्म में, तो इसके अंदर हमारे पास क्या करना पड़ेगा, वेव नंबर के लिए हम क्या करते हैं, जो एनर्जी आई है हमारी उसको एच सी से डिवाइड कर दो। अगर एच सी से डिवाइड करेंगे तो पता है हमारे पास ये थी, एच सी से डिवाइड करेंगे एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ कितना आ जाएगा, न्यू बाई सी अपॉन में वी प्लस में हाफ हमारे पास हो जाएगा। अगर इसको हम ओमेगा की फॉर्म में लिखते हैं तो वेव नंबर की उसमें, तो हमारे पास वेव नंबर जो वाइब्रेशन उसका है वो हमारे पास ओमेगा वी प्लस में हाफ हो जाएगा। अब ये कहता है कि आपको इसके लिए क्या बताना है, दो लेवल्स के बीच की वाइब्रेशन एनर्जी बतानी है, दो लेवल्स की बतानी है। तो हमने जैसे ये पहले आपका कितना था, न्यू नॉट और न्यू नॉट और न्यू वन हो गया ना, इसी तरीके से हमारे पास यानी कि इनिशियल ये है और फाइनल ये है। तो इनिशियल ये मान रही हूँ मैं कि इसका हायर लेवल कितना हो गया मेरा, वी प्लस में वन हो गया, और नीचे वाला हमारे पास जो ये न्यू इज इक्वल टू जीरो है, ये हमारे पास कितना हो गया, न्यू इज इक्वल टू वो न्यू हो गया, ठीक है। तो इनकी वैल्यू अगर इसके अंदर से निकालेंगे तो ये म्यू प्लस में वी प्लस में हाफ तो पहले ही है, अब हमें क्या लेना है, वी प्लस में वन, यानी इस टर्म्स के अंदर एक वन और ऐड हो गया, वन ऐड और हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, वी प्लस में 3/2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, वी माइनस में वी प्लस हाफ होता लेकिन आगे माइनस है, इसके लिए हमारे पास दोनों टर्म्स के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस टर्म लग जाएगा, ठीक है। ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, डब्ल्यू, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है, जीरो पॉइंट एनर्जी यानी कि ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ई नॉट इज इक्वल टू हाफ प्लस में एच न्यू ओमेगा, ठीक है। और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब भी कर दे जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।